आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, व्हाट इज द मीनिंग? अरे बाबा, डी वाई बटे डी एक्स का मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अवकलन। क्या होता है अवकलन? जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, उससे रिलेटेड या क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, y बराबर अंडर रूट में log x प्लस log x, फिर अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x, कितनी बार है? इनफाइनाइट अनंत तक है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कीजिए, प्रूव दैट डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वन अपान एक्स टू वाई माइनस वन, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। मैं रवि लोनफेट, आप सभी का वेलकम है उठ जा यक्स में, इसमें उठ जा यक्स में, ओके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए क्या लिखेंगे सॉल्व। हाँ चलिए, वाई बराबर क्या है, वाई बराबर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस, उसके बाद देखिए लॉग एक्स के बाद सब संख्या रिपीट हो रही ना, अंडर रूट लॉग एक्स फिर अल अंडर रूट लॉग एक्स, यदि जहाँ से कोई भी संख्या रिपीट होती है वहीं से हम क्या कर लेते हैं माल सॉरी जहाँ से कोई भी संख्या रिपीट होती है तो वहीं से हम संख्या क्या कर लेते हैं मान लेते हैं ना। चलिए मान लेंगे कितना, इन सब के बराबर क्या मान लेंगे वाई, तो वाई ही क्यों मानेंगे, क्योंकि वाई बराबर दिया है, जिसके बराबर दिया रहा तो वही तो हम मानते हैं ना। चलिए आ जाते हैं सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दें वर्ग करेंगे तो यह कंडी आपका हट जाएगा, तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वाह 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 वाह, चलिए वर्ग करिए, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर। अब जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है ना, किसी का भी वर्गमूल अंडर रूट रहे, वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाता है, ओके। तो क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस वाई, अब वाई को इस तरफ लेते आते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स, इतना आ गया। चलिए अब इसे क्या कर देंगे, दोनों तरफ पक्ष में यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा क्यों आप बताइए, ऐसा क्यों यक्स के ही सापेक्ष अवकलन क्यों करना है, क्योंकि या आपका दिया है यक्स ना, जो रहता है उसी के सापेक्ष में, जो हर में रहता है मान उसी के सापेक्ष में अवकलन किया जाता है ना। तो डी वाई एक्स कब आए, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब, है ना, क्लियर। आइए तो क्लियर करते हैं, देखिए अब इसका करेंगे वाई स्क्वायर, तो हमेशा सबसे पहले अवकलन में घात की अवकलन होती है, दो आगे आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा टू वाई, अब वाई का कर देंगे तो कितना हो जाएगा y का अवकलन dy वाई बटे डी एक्स माइनस, अब y का अवकलन dy वाई बटे डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू log का अवकलन क्या होता है वन अपान एक्स, तो वन अपान एक्स इंटू एक्स का अवकलन करें कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dy वाई बटे डी एक्स कामन ले लीजिए, dy वाई बटे डी एक्स कामन ले लेंगे क्या बचेगा टू वाई माइनस वन इक्वल टू वन, वन नहीं बचेगा वन अपान यक्स बचेगा, है ना, वन अपान यक्स बचा, ओके। आ जाइए चलिए हमें क्या चाहिए डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, तो देखिए वन अपान यक्स इधर गुणा है इधर आ जाए भाग आ जाए क्या बचेगा टू वाई माइनस वन। अब देखिए आपका प्रूफ दैट हुआ कि नहीं, सिद्ध हुआ कि नहीं प्रूफ दैट, ठीक है। चलो प्रूव दैट इट सिद्धांत, इस प्रकार हम किसी भी सवाल को लगा सकते हैं अवकलन में, जब कहे सिद्ध करने का तब। और याद रखना कोई भी संख्या रिपीट रहती है तो उसके बराबर हम मान लेते हैं ना। आप सभी का वेलकम है किसमें, उठ जा यक्स में, ओके। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर।